अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सिचुएशन हम सबको पता है कोरोना के हवाले से ग्लोबली एंड देन फिर पाकिस्तान पे जो हालात गुजर रहे हैं। इस सिचुएशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपना ख्याल रखना बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथ धोना है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, खांसने से जब भी टिश्यू पेपर यूज़ करें तो आप साथ में डस्टबिन में डाल दिया करें। अच्छा, इसे ये तो है चीज़ इंपॉर्टेंट, इसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बहुत बाहर मुल्कों की मिसालें देते रहते हैं। बाहर मुल्क में हकीकत में जो चीज़ हमें इस्लाम ने सिखाई है ना फॉलो वो लोग कर रहे हैं। वो रमज़ान जैसे महीने में भी प्राइस कम करके मुसलमानों को रिलीफ देते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन क्या आ गई, तो हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा 20% जो तबका है वो उसने अपने घर के अंदर ही सारी चीज़ें अपने लिए जमा कर दी मार्केट से निकाल के। आज अब जाते हैं, गरीब आदमी जाता है तो वहाँ पे एक सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा होता, वहाँ पे मास्क नहीं मिल रहा होता, इसलिए कि वो सारी चीज़ें हम बड़े लोगों ने हमने अपने घरों में जमा कर लिए हैं। और मार्केट में अगर मिल भी रही है तो ऐसे प्राइजेज में मिल रही है कि गरीब आदमी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये टाइम है कौम बनने का। मैं भी इस मुल्क का बेटा हूँ, इस मुल्क ने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने। मैं भी छोटा सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे उनका रोज़गार नहीं है, बंद हो चुके हैं हालात की वजह से, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनके घर तक राशन पहुँचा सकें ताकि कल को मुझसे ऊपर वाला सवाल ना करे कि सब कुछ दिया तुम क्या कर रहे हो। तो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करें, एक मुल्क बन के दिखाते हैं ऐसे मौके पर। थैंक यू।